आज मैं आपको एक ऐसी किट दिखाने वाला हूँ जो अपनी गाड़ी में लगाने से आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज 4 से 10 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। हम EFI गाड़ी के अंदर जो है इस तरह से किट इंस्टॉल करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप की लगाते हैं कि इजीली हम 30% फ्यूल आसानी से सेव कर लेते हैं। 660 से आप ऑनवर्ड जिस गाड़ी में भी लगाना चाहें, हमारे पास उस इंजन साइज के हिसाब से हमने इसको सेट करके डिफरेंट साइज बना रखे हैं, कंप्लीटली सेफ है। एक और ज़बरदस्त बात ये कि हमने बाइक के लिए भी एक किट बनाई है, इसमें 12 से 15 किलोमीटर 70 में बहुत इजीली आप जो है लगा के हासिल कर सकते हैं। सलाम जी, आज मैं आपको एक ऐसी किट दिखाने वाला हूँ जो अपनी गाड़ी में अगर आप लगा लेंगे तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज 5 से 10 किलोमीटर पर लीटर बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर के अंदर 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज दे रही है तो आपकी गाड़ी 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 15 किलोमीटर की एवरेज देने लग जाएगी। तो ये किट क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं, ये कैसे लगती है, क्या काम करती है, इसको कहते क्या है। ये किट जो है ये बेसिकली पानी वाली किट भी पाकिस्तान में इसको कहते हैं और HHO किट के नाम से, हाइड्रोजन किट के नाम से दुनिया के अंदर ये फेमस है। इस किट में पानी डलता है, उस पानी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक कर लेते हैं तो हमें दो गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ सुपर फ्यूल इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन जो है वो किसी भी फ्यूल को बर्न करने में हेल्पफुल होती है। ठीक तो है, यानी एक तरह से हम इस गैस की मदद से नॉर्मल फ्यूल को ऑक्टेन बूस्टर बना देते हैं, ठीक है, तो उससे वो फ्यूल 40% जो बर्न हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में, फिर वो 70% तक बर्न होने लग जाता है। ये जो ओके, एडिशनल 30% हमने फ्यूल को बर्न किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हमारी सेविंग है। हम EFI गाड़ी के अंदर जो है इस तरह से किट इंस्टॉल करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप की लगाते हैं कि इजीली हम 30% फ्यूल आसानी से सेव कर लेते हैं। जबरदस्त। 660 से आप ऑनवर्ड जिस गाड़ी में भी लगाना चाहें, हमारे पास उस इंजन साइज के हिसाब से हमने इसको सेट करके डिफरेंट साइज बना रखे हैं। ये हमारा 522 कहलाता है जो ठीक कि है, हम 4000 और उससे बड़ी जो गाड़ी गाड़ी होती उसमें है है। उसके अंदर लगा लेते हैं। ये 3000, 2000 से 3000 CC के अंदर उसमें लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा एक और सेल है जो कि 1300 से 1800 के लिए है। फिर ये 660 से 1000 CC के लिए है। और एक और ज़बरदस्त बात ये कि हमने बाइक के लिए भी एक किट बनाई है, ये 125 और 150 वगैरह के लिए उसके अंदर आप लगा सकते हैं इसको। तो ये बाइक में कहाँ लगेगी? ये बाइक में सीट के पास जो है वो इसको नट्स के साथ बोल्ट के साथ टाइट कर लें आप, तो ये कहीं नहीं जाती और छोटी सी जगह के अंदर ये लग जाती है। करंट भी बहुत थोड़ा सा ज़रूरत होती है इसको, ठीक है, और वही इसके अंदर पानी डालेगा तो डिस्ट्री इसमें फ्यूल वाटर। एवरेज कितना फर्क पड़ेगा? इसमें 12 से 15 किलोमीटर 70 में बहुत इजीली आप जो है लगा के हासिल कर सकते तो हैं। पहले ये मुझे इस किट के बारे में समझाएं। ये किट जो है इसके अंदर पानी जो है वो फिल होगा। फ्रंट की बात करें तो ये DC ब्रेकर है, क्योंकि ठीक इसमें है, DC करंट होता है तो इसलिए ब्रेकर भी DC है। ये इंफॉर्मेशन के लिए मीटर है, DC मीटर, कि कितना करंट गाड़ी किट जो है वो ले रही है तो ठीक है, ये पता रहता है। उसके साथ जो गैस बनेगी वो इस सेल के अंदर बनेगी, और ये जो व्हाइट कलर की आपको बोतल नज़र आ रही है इसमें डिस्टिल वाटर भरा हुआ होता है। गैस जो बनेगी वो इस पाइप के थ्रू वन वे वैल से होती हुई इस बबलर में आएगी। ओके, इसमें बबल्स बनेंगे जिसमें आपको नज़र आता है कि किट काम कर रही है, गैस बन रही है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होती है। देन फिर फाइनली इस पाइप के थ्रू ये गाड़ी के इंजन रूम के लिए चली जाती है, यहाँ से यानी यहाँ इंजन से के जो पाइप निकलेगा वो गाड़ी के इंजन में जाएगा। वो गाड़ी के एयर फिल्टर से जो होता हुआ HHO गैस चली जाएगी गाड़ी के इंजन में। उसके बाद डिग्गी के अंदर हम इसको रख देंगे, और डिग्गी में रखने के बाद अब गैस इस्तेमाल होगी इंजन रूम में। तो इसका जो पाइप है वो फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप होता हुआ एयर फिल्टर तक चला यानी जाता गाड़ी के है, नीचे से नीचे से कंप्लीटली सेफ है। 660 CC के अंदर हमने अगर किट लगाई तो कितने की किट लगेगी? 660 CC में 38,000 की इस वक्त प्राइस है किट की, और 50 किलोमीटर डेली चलाने वाला 6 महीने के अंदर इसकी कीमत को बड़े आसानी से निकाल लेता यानी कि अगर आप शहर के अंदर चलाते हैं तो है 50 किलोमीटर तो चला ही लेते हैं। आसानी मेरा से। ख्याल है कि 70-80 किलोमीटर बंदा गाड़ी चला लेता होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल है 6 महीने आप ज़्यादा बता रहे हैं, 38,000 रुपये आप 3 से 4 महीने के अंदर इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर आसानी से आप महीने का फ्यूल डलवाते हैं, लेट सपोज अगर आप डेली का फ्यूल खर्च कर रहे हैं 2,000 रुपये का या 1,500 रुपये का, तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर 500 की बचत होगी। ठीक जी, हो जी, है, आसानी से हो जाती है। 500 की, हाँ तो बिल्कुल, 500 मल्टीप्लाई में अगर 30 करें तो तकरीबन बनते हैं 15,000 रुपये, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लें 3 महीने से तो 3 महीने के अंदर बनते हैं 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये 3 महीने के अंदर आपके सेव होंगे, जिससे आपकी इस किट की जो प्राइस है वो बाहर आ जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी लाइफ कितनी है? ये
5 साल बहुत आसानी के साथ चलती है, और हम्म, अगर डिस्टिल वाटर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो ये 10 साल तक आपको बिना किसी किस्म की परेशानी के रिजल्ट देगी। अब मैं मिलवा रहा हूँ आपको डॉक्टर शकील अहमद से, जो कि एनएडी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और यूके से उन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की हुई है। उन्होंने ये हाइड्रोजन किट का जो है आइडिया सोचा था, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे सोचा, क्यों सोचा, किस लिए सोचा और अब वो क्या करें। अस्सलाम सर, कैसे आप? जी वालिक साहब, अच्छा शकील साहब, आपने पीएचडी की हुई है यूके से, उसका फायदा उठा के आपने सोचा या कोई और आइडिया आया दिमाग में? देखिए, मेरा ओरिजिनल आइडिया जब मैं जैसे ही 2018 में इंग्लैंड से पीएचडी करके आया था, तो ये आइडिया मुझे आया, तो आइडिया आने की वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, माहौल जो है हमारा ना, ये धुएं की वजह से, खासकर बड़े शहरों में, मैं कराची में रहता हूँ, तो ओरिजिनल थॉट ये था कि ये हर गाड़ी में, हर बाइक में, रक्शे में लगाई जाए, इससे 80 से 100% तक जो है ना, वो इमिशंस क्लीन हो जाती हैं आपकी सारी। ठीक है, मेरा फायदा है, मेरा ओरिजिनल थॉट ये था। फ्यूल सेविंग उसके बाद है, वो 30 से 50% इजीली फ्यूल सेविंग हो जाती है आपकी, वो बेनिफिट है आपका। इंजन ऑयल ख़राब नहीं हो रहा, इंजन की लाइफ उससे बढ़ जाती है, इंजन का कार्बन जब मुकम्मल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो इंजन ऑयल ख़राब नहीं होता, हमने नोट किया है। हमारे ऐसे कस्टमर भी हैं, मेरी अपनी भिट्स है 20,000 किलोमीटर, सर 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर चलाई चलाई है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के, बिल्कुल ऑयल उसका साफ़ है। अच्छा ये किट तो आपने बना ली, तो क्या किया, डिजाइन विजाइन खुद बनाया या पहले जुगाड़ लगाया, क्या किया? नहीं, मैं चूंकि मैंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड में मैंने जॉब की है, काम किया है मैंने बहुत, तो मैंने पूरा पहले उसको डिज़ाइन किया, आइडिया कंसीव किया है उसको, कैड में बनाया मैंने, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम गए, सारे मोल्ड्स बन रही हैं इसकी, डाइज बन रही हैं, यानी प्रॉपर तरीके से DIY से हटके हमने इसको बनाया है। कि ये बन तो गई, अब लोग लगा भी रहे हैं, हमने वीडियो में भी दिखाया, तो अब जब ये लोग लगा रहे हैं तो इससे सेफ है बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये पता चला कि नासा से भी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सर 1984 में नासा ने जो है वो 7 लीटर डीजल इंजन, 7.5 लीटर समथिंग, वो ओपन पेपर है उसका, रिसर्च ठीक है, पेपर मौजूद है सारा, पूरा इसके इफेक्ट्स उन्होंने स्टडी किए थे कंप्लीट इसके, ठीक है। और हाईली उनकी तरफ से ये जो है ना वो रिकमेंडेड है, और वो यूज़ भी कर रहे हैं इनफैक्ट अपने दौर पे। अब मुझे बताएं कि ये डीजल पे सही काम करती है या पेट्रोल पे काम करती है? ये तमाम सारे जितने हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल है सबके साथ काम करती है, लेकिन हमने नोट किया डीजल में जो है ना नियर डबल का एवरेज का, यानी कि 10 से तो 20 हो जाएगा। 10 से तो 20 हो जाता है, 7-8 होता है। सर्फ में लगाई है 1KZ 1KD, जो मशहूर इंजन आता है 3000 cc, हाँ, वो हमने बहुत सारी लगाई है, कोई दो दो तीन दर्जन के करीब लगा चुके हैं, रिव्यूज़ भी, और 3-3 4-4 साल हो गए, लोगों को टाइम हो गया है चलते हुए उसमें। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनका अपना चैनल भी है इको फ्यूल के नाम से, यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं लोगों के जिन्होंने लगाई है, तो सारे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। अच्छा हमने पूरी किट को देख तो लिया किस तरह से लगेगी और सारी डिटेल्स हमने दिखा दी वीडियो में, लेकिन सेफ्टी कंसर्न का एक सवाल हर इंसान के दिमाग में रहता है, तो ये कितनी सेफ है? सर ये 100% सेफ है, वो इस वजह से कि लोग कहते हैं हाइड्रोजन एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव है, यस, तभी तो ये सबसे अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोजन का जो ऑक्टेन नंबर है वो 130 है, अच्छा, पेट्रोल का जो हाई ऑक्टेन है हमारा वो 99, 98, 97 ऐसे होता है, 95 कॉमन पेट्रोल का होता है, तो ऑब्वियसली जो बहुत अच्छी जलने वाली चीज़ होगी रॉकेट फ्यूल है ये, उसी से तो फायदा होगा ना, अच्छे से इंजन में जाके जलेगी, तो फिर इसमें ये फट तो नहीं जाएगी, ये एक्सप्लोसिव तो नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर बहुत पॉपुलर है, अपने तौर पे लोग इसको लगा रहे हैं। सबसे बड़ी इसकी सेफ्टी ये कि दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम, इसमें गैस का सिलेंडर है ही नहीं, यानी टोटल सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन गैस एक पटाखे की होती है, ठीक है, दैट्स वाई इट्स कम्प्लीटली सेफ। जब इंजन चलता है तो गैस बनती है, कोई सिलेंडर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है गैस का किसी भी किस्म का। थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील अहमद साहब कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी सारी डिटेल शेयर की, तो उम्मीद करते हैं कि आज वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और वो अपना फ्यूल एवरेज अच्छा करना चाहते हैं, तो इको फ्यूल की ये आप डिवाइस लगाएं, हाइड्रोजन किट लगाएं, अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बढ़ाएं और हमें दुआएं दें और साथ में अपनी बचत भी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ राहुल, खुदा हाफिज़।